जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके हूँ। मेरा आज का जो वीडियो है, इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर बेंगलोर एम्प्लॉयमेंट नोटिस आप लोग का यहाँ पे आ चुका है। तो पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो हेडक्वार्टर मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर बेंगलोर में आप लोग के इसके ऑफलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं। पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्या क्या वैकेंसी है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। और टोटल 72 वैकेंसी निकल के आ रही है जी, अब बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडक्वार्टर मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर बेंगलोर में आप लोग की जो वैकेंसी, इसमें 21 डेज लास्ट डेट रहने वाली है। तो 29 जनवरी 2022 से आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, जो कि 18 फरवरी 2022 तक आप लोग की डेट रहने वाली। तो वीडियो देखने के बाद यदि आप लोग ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं मुझे बताइए, ताकि मैं ऑफलाइन अप्लाई का वीडियो तुरंत बनाऊं और आप लोग जल्द से जल्द इसके फॉर्म अप्लाई कर सके। फॉर्म आप लोग रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप लोग अप्लाई करना चाहें तो जल्दी बताइएगा। तो एप्लीकेशन जो आप लोग को इनवाइट की गई ऑल ओवर इंडिया और इंडियन नागरिक है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही आप लोग को फॉर्म भेजना है। फॉर्म मेरे पे है, मैं आप लोग को तुरंत इसका वीडियो बना दूंगा। डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉय की जानकारी है आप लोग की, और रिक्विजिट डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग को भेजने हैं, जो कि गस्टेड ऑफिसर या फिर सेल्फ अटेस्टेड, जैसे भी हो आप लोग अटेस्ट करा के भेजेंगे। एड्रेस आप लोग को दे दिया गया, द सिविलियन एस्टेब्लिश ऑफिसर सिविलियन रिक्रूटमेंट सेल हेडक्वार्टर MEG सेंटर सीमन सिटी गार्डन पोस्ट बेंगलोर, यहाँ पे आप लोग को सेंड करना है। ये एड्रेस है, और एप्लीकेशन के जो बाहर वाला एनवलप है उस पर आप लोग फॉर द पोस्ट ऑफ नाम लिखेंगे, और इसके अलावा सिविलियन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लिखने के बाद आप लोग रजिस्टर्ड पोस्ट आप लोग करेंगे, या फिर आप लोग इस जगह पर रहते हैं आसपास बेंगलोर में, तो आप लोग वहाँ पे जो ड्रॉप बॉक्स है उसमें आप लोग एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये मैंने आप लोग को जानकारी दे दी कि आप लोग कौन कैसे कैसे फॉर्म भेजेंगे। अब बात करते हैं वैकेंसी की। तो देखिए, सबसे पहली वैकेंसी आप लोग की मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जनरल SC ST OBC टोटल वैकेंसी। इसके अलावा आप लोग की EWS फिजिकल और MSP मेरिटल स्पोर्ट्स पर्सन वालों के लिए भी वैकेंसी है, कुछ पोस्टों के लिए वैकेंसी है, आप लोग देख लेंगे यदि आप लोग स्पोर्ट्स से हैं तो। तो सबसे पहली वैकेंसी जो आप लोग की निकल के आ रही है वो है आप लोग की LDC की। जी हाँ, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है। टोटल 6 वैकेंसी आप लोग की है, 4 जनरल की है, 2 OBC की आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है। एक EWS और एक PH के लिए यहाँ पे रिजर्व है। टोटल बेसिक पे आप लोग का 19,900 पे, मैट्रिक लेवल 2 आप लोग की रहने वाली, 12th क्लास पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि LDC के लिए आप लोग यदि 12th पास है तो आप लोग अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइपिंग स्पीड आप लोग की 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आप लोग की होनी चाहिए। 30-35 वर्ड पर मिनट कॉरेस्पॉन्डेंस 10,500-9,000 की डिप्रेशन, 5 की डिप्रेशन ऑफ ईच वर्ड। यानी कि मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आप लोग 12th पास हैं तो अप्लाई कीजिए। टाइपिंग की आप लोग जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि आप लोग का स्किल टेस्ट भी होगा। तो स्टोर कीपर के लिए आप लोग टोटल 10 वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। जनरल की 4 है, SC की 1 है, ST की 1 है, OBC की 4 है, सभी के लिए वैकेंसी है। किसी और की कैटेगरी में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 19,900 आप लोग का बेसिक पे है। सेकंड जनरल सर्विस ग्रुप CT के 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में आप लोगों से सिमिलर, यानी कि एक साल की जानकारी, एक वर्क का एक्सपीरियंस, और MS वर्ड पे आप लोगों को काम की जानकारी, इसके अलावा स्टोर कीपिंग या स्टोर मैनेजमेंट में आप लोग के पास सर्टिफिकेट कोर्स हो, तो यदि इनमें से कुछ है तो आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। और यदि नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग 10th पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए 10 वैकेंसी है। इसके अलावा सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर की आप लोग की वैकेंसी है। जी हाँ, काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है आप लोग की। तो सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए आप लोग के क्लियर कर दूँ, 7 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है, ठीक है। 7 वैकेंसी में आप लोग की यहाँ पे जनरल की है, SC की है, बाकी आप लोग देख लेंगे ऊपर नीचे करके। और इसमें आप लोग टोटल वैकेंसी दे दी, ठीक है। 7 वैकेंसी है सभी पोस्टों के लिए, यहाँ पे टोटल दिया गया। तो रेजिमेंटल सर्वेयर, OE ऑपरेटर, एग्जीक्यूटिव मशीन, इसके अलावा ड्राइवर प्लांट ड्राइवर, मोटर ट्रांसपोर्ट, एस्टर्न कंस्ट्रक्शन, पेंटर एंड डायरेक्टर, डेकोरेटर और फिटर, और एस्टर्न वुड वर्क की आप लोग की, ठीक है। ये सब ट्रेडों में आप लोग की निकली हुई है। 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप लोग के पास ITI होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए जो आप लोग का मतलब पोस्ट है, ठीक है। ट्रेनिंग आप लोग को कर रखी हो, ट्रेनिंग की नॉलेज हो, तो ये चीज़ें आप लोग के पास होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग को ट्रेड की जानकारी दी है, सर्वेयर, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक मोटर व्हीकल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर, पेंटर, फीटर, कारपेंटर, ट्रेड की जानकारी आप लोग को दे दी है। तो सिविलियन ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए आप लोग 10th पास होने चाहिए और साथ में आप लोग के पास ITI होनी चाहिए और वर्किंग की जानकारी।
चलिए इसके बाद कुक की वैकेंसी निकल के आ रही है। 4 वैकेंसी कुक की है, आप लोग देखेंगे, जिसमें कि आप लोग की SC की है और OBC की वैकेंसी यहाँ पे दी गई। टोटल 4 वैकेंसी निकल के आ रही है। 19,000 जो है आप लोग का 19,900 बेसिक पे है, और यहाँ पे आप लोग को 18 यानी कि 10th क्लास पास हैं कुक के लिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को कुकिंग की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो 10th क्लास पे आप लोग अप्लाई कीजिए कुक के लिए। लश्कर की आप लोग की 10 वैकेंसी है, लश्कर की भी आप लोग की काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। तो 10 वैकेंसी आप लोगों को डिवाइड की गई है, आप लोग ऊपर करके देख लेंगे यहाँ पे आप लोग की जो है OBC ST वगैरह के लिए, ठीक है। डिटेल आप लोग देख लेंगे। 18,000 का आप लोग का जो पे मैट्रिक है, 10th क्लास पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लश्कर की पोस्ट के लिए। और डिजायरेबल में आप लोग को ड्यूटी की जानकारी और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लश्कर के लिए 10th क्लास पास है तो अप्लाई कीजिए। इसके लिए बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी निकल के आ रही है वो MTS की। जी हाँ, MTS की वैकेंसी निकल के आ रही है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है MTS की। MTS के अंतर्गत आप लोग की कई ट्रेड हैं, जैसे कि आप लोग का सिविल मैसेंजर की, गार्डनर की, वॉचमैन की, सफाई वाला के लिए, तो इनमें से किसी एक के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल वैकेंसी दे दी गई है जनरल की, SC की, ST की, OBC की, आप लोग देख लेंगे। तो 18,000 बेसिक पे है, 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डिजायरेबल में आप लोगों से जानकारी मांगी गई है कि आप लोग यदि वॉचमैन के लिए अप्लाई करें तो वॉचमैन की जानकारी होनी चाहिए, गार्डनर के लिए अप्लाई करें तो गार्डनर की जानकारी होनी चाहिए, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए डिजायरेबल में। तो MTS के लिए आप लोग 10th क्लास पास हैं तो अप्लाई कीजिए, किसी एक ट्रेड में आप लोग अप्लाई करेंगे। ऑफलाइन अप्लाई वाले वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। वाशरमैन की 5 वैकेंसी निकल के आ रही है, 18,000 का पे मैट्रिक है, और यहाँ पे आप लोग को 10th क्लास पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। और सिविलियन क्लोथ वगैरह जो है धोने की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। तो वाशरमैन की भी 5 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे निकल के आ रही है। इसके बाद बार्बर की 2 वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे निकल के आ रही है, जो कि SC ST वालों के लिए यहाँ पे 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बार बार के ट्रेड की आप लोगों को वर्क की जानकारी होनी चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। 72 टोटल वैकेंसी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, 72 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे। चलिए इसके बाद आप लोगों को शॉर्टकट की बताया गया, जैसे कि आप लोगों ने ऊपर देखा है, SC का मतलब JN का मतलब जनरल, SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब, OBC का मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, MSP जी है, MSP की भी वैकेंसी की डिटेल है, मेरिटल स्पोर्ट्स पर्सन, PH के लिए फिजिकल हैंडीकैप्ट, PHOH के लिए फिजिकल हैंडीकैप्ट, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ट, ठीक है, EWS के लिए आप लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो ये आप लोग की डिटेल है, शॉर्टकट वगैरह दिए और आप लोग को वैकेंसी की जानकारी है। वैकेंसी घट बढ़ सकती है, ऑल ओवर इंडिया आप लोग की लायबिलिटी है, कहीं पे भी आप लोग का ट्रांसफर किया जा सकता है। SC, ST, OBC, EWS, PH, MSP सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसियाँ रिजर्व हैं, और गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्मेट वगैरह, ठीक है, आप लोग को सभी डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करने हैं, जो कि आप लोग को indianarmy.nic.in पे आप लोग को मिल जाएगा। मैं आप लोग को जल्द ही इसका वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके अलावा कैंडिडेट रियल इंस्ट्रक्शन सबमिट फिलिंग, आप लोग जो है सारी जानकारी ठीक ठाक भरेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एडमिट कार्ड डुप्लीकेट अटेस्टेड फोटोकॉपी, सारी चीज़ें आप लोग को भेजनी है, ठीक है, अटेस्टेड कर कुरा करके, कहीं से आप लोग की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कि ऐसा ना हो आप लोग के एडमिट कार्ड ना आए। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर की जानकारी दी है एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में आप लोग का जो है रिटर्न एग्ज़ाम में बताया गया हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोग का पेपर आएगा, लेकिन जो आप लोग का इंग्लिश का पेपर होगा वो आप लोग का इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तो सिलेबस की जानकारी भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा आने वाले वीडियोज़ में। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वो वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। रिटर्न एग्ज़ाम आप लोग का जो है हेल्ड सेम डे, रिटर्न एग्ज़ाम सभी का एक दिन होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो यदि आप लोग एक से अधिक पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो अपने रिस्क पे आप लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम आप लोग का एक दिन ही होगा। और MTS की कैटेगरी में आप लोग किसी एक ट्रेड के लिए अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया था, सिविल मैसेंजर, गार्डनर, वॉचमैन, सफाई वाला में से किसी एक ट्रेड में अप्लाई करेंगे। तो आप लोग एक से अधिक पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम आप लोग के जो है एक ही दिन होने वाले। सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी दी जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग का रिटर्न एग्जाम होने वाला, रिटर्न के बाद आप लोग का जो भी स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट वगैरह आप लोग का होगा। तो मेन आप लोग का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम आप लोग का काफ़ी अच्छा जाना चाहिए, रिटर्न एग्जाम के बेस पे ही आप लोग का सिलेक्शन होता है। इसमें आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी दी गई है, रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट, ठीक है। तो कॉल लेटर आप लोग का आएगा, चाहे वो रिटर्न एग्जाम हो या स्किल टेस्ट वगैरह हो, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट, यदि आप लोग रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हैं तो 10 गुना बच्चे आप लोग के स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाए जाएंगे। LDC की पोस्ट के लिए आप लोग का टाइपिंग यहाँ पे होगा, जो कि कंप्यूटर पे होने वाला, हिंदी इंग्लिश जोन जिसमें आप देना चाहे, ठीक है। स्किल टेस्ट वगैरह आप लोग को मार्क्स जो है रिटर्न एग्जाम के बेस पे ही आप लोग का सिलेक्शन है, ध्यान रखिएगा। यदि आप लोग मेरिटस स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप लोग का जो स्किल टेस्ट होगा वो स्पोर्ट्स ट्रायल के बेस पे आप लोग का होने वाला है, कंसर्न जिस स्पोर्ट्स से आप लोगों ने अप्लाई किया है,
आपके कितने विनिंग मेडल्स वगैरह पार्टिसिपेट, आप लोगों ने किस लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, नेशनल इंटरनेशनल वगैरह, ठीक है, उसके बेस पे आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा और उसका परफॉर्मेंस देखा जाएगा और रिटन एग्जाम एंड इसकी स्किल टेस्ट के आप लोग का होने वाला। तो जो सिलेक्शन है वो आप लोगों का मैं क्लियर कर दूँ, रिटन एग्जाम के बेस पे ही होगा। तो मेरिटस स्पोर्ट्स पर्सन का जो स्किल टेस्ट होगा, जैसा उनका मेडल वगैरह होगा उसके बेस पे उनको जो बेनिफिट मिलेगा। एज की जानकारी दी जाए तो 18 से 25 साल सभी एज, सभी पोस्टों के लिए जनरल वालों की एज 18 से 25 साल है, ओबीसी वालों के 18 से 28 साल, एससी एसटी वालों के 18 से 30 साल है। यदि किसी पोस्ट पे एससी एसटी ओबीसी की वैकेंसी नहीं है, वो जनरल में अप्लाई करते हैं, तो उनको एज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि उनकी भी एज 18 से 25 साल ही रहेगी। और लास्ट डेट आप लोगों को बता दी गई, तो लास्ट डेट मैंने आप लोगों को बता दी 18 फरवरी 2022 रहने वाली है, ठीक है। 18 फरवरी 2022 तक आप लोग अप्लाई करेंगे, उसी डेट को आप लोग की यहाँ पे एज काउंट होने वाली है। 18 फरवरी 2022 को आप लोग अपनी एज काउंट कर लेंगे। जनरल वालों के 18 से 25, ओबीसी वाले 18 से 28, एससी एसटी वाले 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। एज में आप लोगों को रिलैक्सेशन मिलेगा, एससी एसटी 5, ओबीसी पीएच कैंडिडेट, ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग को मिलता है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, स्पोर्ट्स पर्सन हैं आप लोग, एससी एसटी वगैरह, तो आप लोग को बेनिफिट मिलेगा जैसा मिलता है। यदि ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप लोग नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा बेनिफिट लेने के लिए। एडमिट कार्ड आप लोग को जो है बाई पोस्ट सेंड किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए जब आप लोग को बुलाया जाएगा। बिना एडमिट कार्ड के आप लोग एग्जाम नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल क्लियर इन्होंने कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को पूरी जानकारी दी है, ए टू जेड जो आप लोग की वैकेंसी आई हुई है, एम ये आप लोग देख सकते हैं वैकेंसी आप लोग की, हेडक्वार्टर मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर बेंगलोर में वैकेंसी अच्छी है, 72 वैकेंसी है। यदि आप लोग इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को तुरंत ही इसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म सेंड करेंगे, रजिस्टर्ड फोर्स से ही आप लोग को फॉर्म सेंड करना है। तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, जान से लिखूंगा, यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए आता रहे। ओके बाय, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।